everyone. Hey guys, so this is Nidhi Dhruv. I'm a law graduate and a company secretary, and on this very own platform of yours, Unacademy, I am here to teach you guys Hindu law today. Okay, this particular video is going to be useful for Only law entrance exam aspirants. कोई भी law entrance आप दे रहे हो guys, this session will be useful to you all. Okay, so whenever you have like law entrance exams और उसमें legal reasoning topic में you have some questions also from miscellaneous laws. Okay, so miscellaneous laws means some residual laws from which few questions are asked to you. So you, every one of you know this के civil law, criminal law and constitutional law से major questions आते हैं, correct? So if we consider 35 to 40 marks के बीच में पूछते हैं CLAT में भी, okay? So उसमें हम consider करते हैं कि 6-7 marks का each topic से पूछते हैं, civil, criminal and consti. So that comes to almost 21-22 marks. ठीक है, तो अराउंड मैं बोलूँगी वो तीनों टॉपिक मिला आके 25 मार्क का पूछ लेते होंगे. बट इवन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मिसलेनियस लॉज विल कैरी 10 मार्क्स वेटेज, जिसमें मेजरली हम लोग फैमिली लॉ, प्रोसीजरल लॉज दैट इज CPC, CRPCs वगैरह, देन प्रॉपर्टी लॉ, थोड़े एकदम शॉर्ट में प्रॉपर्टी लॉज भी करते हैं, एंड इसके अलावा IPR लॉज दैट इज पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो वाला. ये चारों लॉज मिसलेनियस लॉज में कहीं ना कहीं कवर करने होते हैं फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू हेल्प यू फर्स्ट गाइज विथ दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट्स फैमिली लॉ. ठीक है, तो फैमिली लॉ के अंडर भी बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं. आई विल बी एक्सप्लेन यू दैट. सो उसमें से हम बेसिकली आज हिंदू लॉ कवर करने वाले हैं. ठीक है, ओके. सो फैमिली लॉ आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल लॉज. वाई इज इट कॉल्ड पर्सनल लॉज, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. बट अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया for civil matters or criminal matters we have some laws which is like applicable to everybody. Okay, so there are some laws which is hum national laws bol denge unko, that is applicable to everybody, civil, criminal, no matter wo Hindu hai, Muslim hai, Christian hai, Parsi hai, koi bhi religion ka kyun nahi hai. Civil wrong commit kiya hai to civil law un pe applicable hoga hi hoga. एंड क्रिमिनल रॉन्ग कमिट किया है, अगर कोई क्राइम ऑफेंस किया है तो उन पे वो क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होगा. सो दोज आर नेशनल लॉज. बट गाइस, हमारी इंडिया में कुछ पर्सनल मैटर्स ऐसी होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सी पर्सनल मैटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो कुछ पर्सनल मैटर्स जैसे कि शादी और डिवोर्स और किसको हमें प्रॉपर्टी सक्सेशन में देना वगैरह, ये हर धर्म के हिसाब से, हर कम्युनिटी के हिसाब से डिफर करता है. इट डजंट रिमेन सेम. ओके, सो इट डिफर्स फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रिलीजन टू रिलीजन. लोगों के जो सालों से कस्टम्स चलते आए हैं, शादी, डिवोर्स, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये सब उस हिसाब से होता है, यू नो. सो इन द कंट्री लाइक इंडिया, हमारा कंट्री तो पूरा डाइवर्सिफाइड है, राइट? इतना डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग हम मिलजुल के अच्छे से रहते हैं. आई नो मिलजुल के मतलब ऑन अ ब्रॉडर लेवल तो मिलजुल के ही रहते हैं, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो कहीं कहाँ नहीं होते हैं, घरों में भी होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है उस हिसाब से, राइट? बट एक देश में इतना अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ, अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोगों के साथ भी हम एकदम अच्छे से रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में इस पर्सनल लॉज को रिस्पेक्ट दिया गया है. बिकॉज सभी के ऊपर अगर एक ही लॉ थोपा जाएगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो आप लोग को पता होगा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है गाइस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको UCC के बारे में मेंशन मिलेगा, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ऐसा बोला है, दैट इज सभी के लिए एक ही लॉ बना दो, शादी हो, डिवोर्स हो, अडॉप्शन हो, मेंटेनेंस हो, सक्सेशन हो, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ, सबके लिए एक ही लॉ। कैन यू गाइज इमेजिन ऐसा कोई, मतलब हमारे इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स पे भी सेम ही शादी के लॉज है, या हिंदूज़ पे भी सेम ही है कि हिंदूज़ भी 4 वाइफ रख सकते हैं, या क्रिश्चियंस जैसे यू नो आई डू बोल के किस करके मतलब शादी होने के बाद फादर उनको मैन एंड वाइफ डिक्लेयर करते हैं फिर किस करते हैं। क्या हम दूसरे रिलीजन में भी ये चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं? I really find this funny. I mean, I cannot even imagine about it कि कैसे ये होगा, correct? So basically it's quite difficult. इतना easy नहीं है ये होना, ठीक है? So uniform civil code मेरे हिसाब से तो it's quite like next to impossible. इतना difficult है हमारी country में same चीज़ सब पे applicable करना। सो इसीलिए ये फैमिली लॉज इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में। सो इंडियन हिस्ट्री में और अभी भी इंडियन फ्यूचर में भी आई वुड से, बिकॉज सभी धर्म का अलग अलग बिलीफ है और इतने कोर बिलीफ है कि अगर ज़रा भी एक दूसरे के बारे में कोई बोल दे तो दंगा फसाद स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो इसीलिए पर्सनल लॉज का इम्पोर्टेंस इतना है। सो मेजरली हमारे इंडिया में 5 धर्म ज़्यादा फॉलो होते हैं। एक तो हिंदूज का है, देन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड और एक है जो है कि जूस, जूविश लोग, जूस का धर्म भी है। दो इट्स फाइंड वेरी रेयरली इन इंडिया, काफ़ी कम पाया जाता है, बट स्टिल इट इज़ देयर, इट्स नॉट दैट कि वो है ही नहीं, ओके? सो इट्स देयर, इट्स मतलब रेयरली है बट है। तो मेजरली हम बोल सकते हैं कि 5 धर्म, 5 टाइप की कम्युनिटीज़ या 5 रिलीजन फॉलो होते हैं इंडिया के अंदर। सो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जूस। जूस के कोई पर्टिकुलर लॉज नहीं है, मेजरली वो लोग अपने कस्टम से ही गवर्न होते हैं, मतलब सालों से उनकी कम्युनिटी में जो भी चीज़ें रीति रिवाज चले आए हैं वो लोग उसी से गवर्न होते हैं। बट अगर हम हिंदू जो मेजॉरिटी में है हमारे कंट्री में, ओके, पारसी इवन तो माइनॉरिटी में बट उनके भी लॉज हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सभी के लॉज हैं। सो मेजरली 4 लॉज हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। नाउ गाइज व्हाट आई वांट टू डू टेल यू इज के जब भी मैं बता रही हूँ कि ये मिसलेनियस लॉ 10 मार्क का है और ये 4 लॉज मेजरली आते हैं, तो 2 से लेके 2.5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ फैमिली लॉ से, बराबर? तो इसमें है ना गाइज मेजरली ये हिंदू लॉ और ये मुस्लिम लॉ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पारसीज, क्रिश्चियंस और जूस के लॉज से इतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे गए हैं, ओके? इतने ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो मेजरली हिंदू और मुस्लिम लॉ हमें कवर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और आज के सेशन में बेसिकली मैं हिंदू लॉ पे यू नो कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ, और आज के सेशन में मैं हिंदू लॉ कवर करने वाली हूँ और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही, बिकॉज हिंदू लॉ भी काफ़ी है पढ़ने के लिए, तो पूरा का पूरा एक सेशन में पढ़ा दूँगी तो आप लोग के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हिंदू लॉ के पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम यू नो पढ़ेंगे, एंड बाकी इसके यही सेशन के ये हिंदू लॉ के भी कुछ पार्ट्स होंगे, फिर मुस्लिम लॉ के भी कुछ पार्ट्स मैं ले लूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फिर हम आपका उस तरीके से फैमिली लॉ कवरेज कराएंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड विद अंडरस्टैंडिंग आवर फैमिली लॉज फर्स्ट, ठीक है? सो आई टोल्ड यू कि ये पर्सनल लॉ बोला जाता है, एंड इट इज़ टू गवर्न द पर्सनल मैटर्स, ओके? हमारे फैमिली लॉ में पर्सनल मैटर्स हमें गवर्न करनी है। तो सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग बेसिकली वो नहीं आता है, वो सभी के लिए एक है, बट ये पर्सनल मैटर्स में सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, उस हिसाब से उनकी फैमिली लॉज बनाए गए। तो विच पर्सनल मैटर्स बेसिकली is dealt in the family laws? So guys, marriage, divorce, succession, adoption, succession मतलब inherit, कितना कौन प्रॉपर्टी, फादर्स का, इंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट हो गया, मैरिज, डिवोर्स, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आता है, करेक्ट? देन अडॉप्शन, मेंटेनेंस मतलब वाइफ को मेंटेन करना वगैरह, बच्चों को मेंटेन करना फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। गार्डियनशिप, माइनर के लिए कौन एज अ गार्डियन रिप्रेजेंट करेगा माइनर को वो। गिफ्ट्स, एंडाउमेंट्स, वाक्फ, ये सब चीज़ पर्सनल मैटर से गवर्न होती है। क्या होता है एंडाउमेंट, वाक्फ, वो भी मैं पढ़ाऊँगी इन योर अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, तो अभी फ़िलहाल आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदू लॉ में मैरिज वाला टॉपिक। पूरा एक साथ करोगे बाउंसर जाएगा, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग शादी के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर इसमें तो सबको बड़ा इंटरेस्ट होगा। मतलब आप लोग लॉयर बन के जो भी प्रैक्टिस करो लॉ, बट ये चीज़ तो पढ़ा होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली अपनी लाइफ में काम लगने वाला है, फॉर योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, फॉर योर फैमिली थिंग्स ऑल्सो। सो कोई जो लोग लॉ एंट्रेंस नहीं भी दे रहे और वो लोग भी ये सेशन देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएगी अबाउट मैरिज, कि हिंदूज़ में मैरिज का क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में मैं मुस्लिम्स में भी क्या होता है मैरिज का मैं बताऊँगी, ओके, बट आज हम लोग फ़िलहाल हिंदूज़ के हिसाब से समझते हैं। अच्छा, बिफोर आई गो हैड मुझे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आपको कन्वे करनी है, ठीक है। सो ये सभी मैटर्स पे वी ऑल्सो हैव सेक्युलर लॉज। तो ये फैमिली लॉ के अलावा, ओके, एक सेकेंड, हमारे पास सेक्युलर लॉज भी है, मतलब जो सभी कम्युनिटी पे एप्लीकेबल हो सकते हैं इन पर्सनल मैटर्स पे, ठीक है। वी ऑल्सो हैव सेक्युलर लॉज। तो नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये समझना अच्छे से गाइज, दैट it is not obligatory for anyone to be governed by their personal laws only. मतलब अगर मैं हिंदू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मुस्लिम लॉ से गवर्न हूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो आई हैव अ चॉइस, आइदर आई कैन बी गवर्नड बाय हिंदू लॉ और आई कैन बी गवर्नड बाय सेक्युलर लॉ। कैसे सेक्युलर लॉ, वो भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। आप जस्ट पेशेंस रखिए, हर चीज़ हम समझेंगे। मतलब जैसे कि मैरिज के बारे में हिंदूज में हिंदू मैरिज एक्ट है, तो वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल मैरिज एक्ट विच इज़ अ सेक्युलर लॉ विच एनीबडी कैन फॉलो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। सो इफ आई एम अ हिंदू, आई हैव टू ऑप्शन, हिंदू या तो सेक्युलर लॉ फॉलो कर सकती हूँ। मुस्लिम पर्सन के पास चॉइस है मुस्लिम लॉ या सेक्युलर लॉ। तो वैसे इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी कि हमें हमारा पर्सनल लॉ पसंद है या नहीं है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, नो, ये भी मैंडेटरी नहीं है। इट्स ऑलवेज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल, उनके कस्टम्स को रिस्पेक्ट करने के लिए है, तो किसी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आगे आगे सो हिंदूज में है ऐसा है गाइज। हम पहले तो समझेंगे, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन कौन एग्जैक्टली हिंदूज में कवर होते हैं, वो भी हम समझेंगे क्विकली। बट उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन से लॉज हिंदूज के कोडिफाइड लॉज हैं, ठीक है। कोडिफाइड लॉ मतलब पार्लियामेंट ने पास किए हुए। तो आप ईयर्स देख सकते हो 55, 56, 56, 56। तो आई वुड से 1955 से लेके 1956 में पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट पार्लियामेंट पास लेजिस्लेशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल द पर्सनल मैटर्स ऑफ हिंदू। आप देख सकते हो वी हैव अ लॉ कॉल हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें मैरिज डिवोर्स दोनों ही चीज़ कवर होती है आपकी, मतलब ये दोनों ही प्रोविजंस दिए गए हैं। देन अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के लिए एक एक्ट है, सक्सेशन के लिए एक एक्ट है, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के लिए एक एक्ट है। तो लगभग सभी पर्सनल मैटर्स के लिए हिंदूज के पास खुद के कोडिफाइड लॉज जो पार्लियामेंट ने पास किए वैसे है, ओके। सो हम आज मैरिज वाला टॉपिक, शादी, जो आई एम श्योर सभी तुम लोग लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट हो, 17-18 साल के हो, बट इसमें आपको सबको बड़ा इंटरेस्ट होगा. आई एम वेरी श्योर, आई कैन बेट ऑन दैट, राइट. ओके, सो राइट नाउ हमारे कंसर्न का ये टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्योंकि हम हिंदू लॉ पढ़ने वाले हैं, वो भी स्पेसिफिकली मैरिज टॉपिक आज, ठीक है. सो हिंदू मैरिज एक्ट, बिफोर गोइंग अहेड विद द मैरिज टॉपिक, पहले ये समझ ले हिंदू कौन होते हैं. हाँ गाइज, तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड चीज़ है, अरे हिंदू कौन होगा, तो ये लोग हिंदू में इंक्लूड होते हैं. ओके, सो हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू भी अलग अलग कैटेगरी से उसे क्लासिफाई किया गया है. ओके, सो हिंदू बाय रिलीजन, अब एनी पर्सन हु इज अ हिंदू, खुद जो हिंदू है, ओके मतलब हिंदू टेम्पल्स वगैरह में जाता है वो सब, जैन है, सिख एंड बुद्धिस्ट, ये चारों को हिंदू में ही कवर किया गया है. ओके, सो ये सब समाज वाले लोग, ये जो समाजित है मतलब ये सारे समाज वाले लोग, वीरसाइव्स, लिंगायत्स, तंत्रिक्स एंड आर्या, ये सारे लोग, ये सारे कास्ट वाले, ये सारे समाज वाले हम हिंदूज माने जाएंगे, ठीक है. देन हिंदू बाय बर्थ, ओके, सो पर्सन कोई भी लेजिटिमेट बच्चा है या इलेजिटिमेट बच्चा है, तो टेकिंग यू टू बॉलीवुड मूवीज गाइज, इलेजिटिमेट बच्चा मीन्स नाजायज़ बच्चा. आप लोग मूवीज़ में देखे होंगे, काफ़ी सारी टीवी सीरीज़ में भी देखे होंगे कि शादी के बिना किसी का बच्चा पैदा हो गया, किसी की कोई मिस्ट्रेस है और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो बिना शादी किए कोई कपल के बीच में बच्चा पैदा हो गया, तो वो इलेजिटिमेट बच्चा होता है, नाजायज़ बच्चा. ओके, सो लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेजिटिमेट बच्चा हो, वो हिंदू कंसिडर किया जाएगा अगर उसके दोनों ही पेरेंट्स हिंदू हैं. ओके, और अगर वन ऑफ द पेरेंट हिंदू है एंड द पर्सन हैज बीन ब्रॉट अप बाय एज ए हिंदू, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू. अभी नाजायज़ बच्चा है समझो, या जायज़ बच्चा भी है और मे बी दूसरा पेरेंट नहीं जिंदा है या छोड़ के चला गया है, ऐसे कुछ भी है, तो सिर्फ एक पेरेंट ने उसे पाल के बड़ा किया है, तो ऐसे सिनारियों में जिस पेरेंट ने पाल के बड़ा किया और उसको एज ए हिंदू ही बड़ा किया है, भले फिर उसका दूसरा पेरेंट जो है वो दूसरी कम्युनिटी का हो, बट फिर भी उसे अगर रेज हिंदू के जैसे किया गया तो वो हिंदू कंसिडर होगा. मतलब अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम की शादी हो गई और हिंदू मदर है और मुस्लिम फादर है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल मुस्लिम फादर की डेथ हो गई है और हिंदू मदर ने उसे चाइल्ड को एज ए हिंदू रेज किया है, तो वो हिंदू धर्म फॉलो करेगा, तो वो हिंदू ही माना जाएगा. दैट्स व्हाट दिस मीन. समझ में आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट वन इज हिंदू बाय कन्वर्जन. हिंदू रिलीजन में कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, कोई पारसी हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, ओके, सो तो उसे भी हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. सो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इसमें कोई कन्वर्ट होता है तो उसे हिंदू माना जाएगा. ओके, ऑलराइट. एंड फिर रेसिडुअल एक क्लॉज दे दिया है विच इज एनी पर्सन इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू इज नॉट गवर्न बाय एनी अदर लॉ विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदू. ओके, और एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया गया है दैट अ हिंदू डज नॉट सीज टू बी अ हिंदू. एक बंदा हिंदू मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं माना जाएगा अगर वो एथिस्ट हो जाता है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो आया ही होगा इस वीडियो देखते हुए कि मैम व्हाट इफ ही इज एथिस्ट, वो कोई धर्म में ही नहीं मानता है, वो हम क्या बोलते हैं उसे, जो धर्म नहीं फॉलो करते इसे नास्तिक है. ओके, कोई नास्तिक बन जाता है या कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस छोड़ देता है कि नहीं चल मुझे इंटरेस्ट नहीं इसमें, या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है, बहुत मॉडर्न हो जाता है, धर्म वर्म का कुछ भी नहीं करता है. तो भी ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो मंदिर नहीं जाता है, रोज़ पूजा पाठ नहीं करता है तो वो हिंदू नहीं रहेगा, वो हिंदू तो रहेगा फिर भी. ओके, ही विल नॉट सीज टू बी हिंदू बिकॉज ही इज़ नॉट फॉलोइंग ऑल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ये ध्यान रखना है आप लोगों को. ऑलराइट, सो आई एम श्योर अभी तक सब लोग को क्लियर है दैट हु इज़ हिंदू, ठीक है. सो हिंदू कौन है ये हम समझ लिए. अभी हम लोग को तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट वाला टॉपिक करना है शादी का, बट उसके पहले 5 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा हिंदू लॉ के बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझेंगे। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ गाइस, 1 मिनट, मुझे पता है तुम लोगों को शादी वाला जानने की बड़ी जल्दी है, बट ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। सो गाइज आप सबको पता होगा हिंदू लॉ इज़ द ओल्डेस्ट पेडिग्री, लाइक इतना हिंदुइज्म इतने साल पुराना है, ओके। एंड इवन नाउ इट शोज नो साइंस ऑफ डेक्रिपिट्यूड, मतलब वो लोग अभी हिंदू बनना छोड़ रहे हैं या हिंदू धर्म एकदम लुप्त हो गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। सो अभी भी ग्रो ही हो रहा है। सो हिंदू लॉ इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द कस्टम एंड प्रैक्टिस प्रिवेलेंट अमॉन्ग हिंदूज, हिंदूज जो कस्टम्स प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उस हिसाब से हिंदू लॉ बनाया गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं क्विकली करा देती हूँ, सिर्फ ये कभी 1 लाइनर में पूछा तो ध्यान रखना होगा, बट हम क्विकली से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, आई नो ये वाला थोड़ा बोरिंग होगा बट 2 मिनट दीजिए, हम यूँ फिनिश कर देते हैं इसे, ठीक है। सो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, एंशियंट सोर्स एंड मॉडर्न सोर्सेज दोनों है, ओके। तो एंशियंट में वेदास, जो भी हिंदूज है वो लोग समझते होंगे, बट ये लॉ तो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, वेदर ही इज क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और पारसी तो भी पढ़ना है। तो आप लोग ने कभी कभी कोई टीवी वगैरह पे, मूवीज़ वगैरह में सुना होगा वेदास के बारे में। सो वेदास मतलब बुक्स होती है, स्मृतिस, धर्मशास्त्र, ये श्रुति रिपीट हो गया, कस्टम्स एंड यूसेजेस, इसके ऊपर से हिंदू लॉ लिया गया है एंशियंट सोर्स के हिसाब से। एंड मॉडर्न सोर्स में प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब गाइस एग्जाम्पल्स, ओके, मतलब जुडिशल डिसीजंस, पास्ट कोई केस कोर्ट ने डिसाइड किया है उसको एज अ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंट केस। तो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज दैट। या फिर लेजिस्लेटिव एक्ट्स, हमने जो अभी देखे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो सब। देन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी हिंदू लॉ फॉलो किया जाता है, ठीक है। नाउ देर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ गाइस। स्कूल्स का यहाँ मतलब होता है वो हमारा 1st to 10th स्टैंडर्ड वाला स्कूल नहीं, ओके। यहाँ स्कूल मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ, ओके, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ जो हिंदू लॉ में भी अलग अलग है, मतलब सारे हिंदूज सेम नहीं होते हैं, हिंदूज में भी अलग अलग टाइप की बिलीफ लोग रखते हैं, ओके। तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो मेजरली 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है, एक तो मिताक्षरा स्कूल है गाइस, मिताक्षरा स्कूल, एंड एक है दयाभागा स्कूल, ठीक है। सो मिताक्षरा स्कूल लगभग पूरे इंडिया में पाया जाता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। और ये मिताक्षरा स्कूल कौन सी कमेंट्री से लिया गया था? ऑन यजनवालक्या स्मृति, रिटन बाय विजनेश्वरा, ओके। सो ये पूरे इंडिया में यही वाला स्कूल ऑफ लॉ, मतलब यही वाला बिलीफ फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, ओके। और इसके सब स्कूल्स ये ऐसे है कुछ, बनारस स्कूल, मिथिलिया स्कूल, द्रविड़ा और चेन्नई स्कूल, महाराष्ट्र और मुंबई स्कूल, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वो पार्ट में, कंट्री के वो पार्ट में अलग अलग तरीके से वो स्कूल प्रिवेल करता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस इन द प्रैक्टिस एंड ऑल, कस्टम्स एंड ऑल, ठीक है। एंड दयाभागा स्कूल बेसिकली असम एंड वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रिवेल करता है। फ्रेंकली स्पीकिंग सिर्फ असम वेस्ट बंगाल में नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लाइक मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहाँ भी ये फॉलो होता है, बट मेजरली एकदम असम वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। So it's considered to be digest for the leading स्मृतिस। तो इम्पॉर्टेंट जो स्मृतिस है, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, पहले का जो याद है उस हिसाब से, ठीक है, जो याद है ऋषि मुनि ने बताया उस हिसाब से जो लिखा है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दयाभागा स्कूल में वो लोग मतलब फॉलो करते हैं। इनका प्राइमरी फोकस है टू डील विद द पार्टीशन, इनहेरिटेंस एंड जॉइंट फैमिली। तो इसमें पार्टीशन, फैमिली पार्टीशन कैसे करना, इनहेरिटेंस, दादा पर दादा की हमें कैसे ज़मीन जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह कैसे लोगों, फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी उस बारे में, और जॉइंट फैमिली में कैसे रूल्स होंगे, ये सब चीज़ के बारे में खास करके दयाभागा स्कूल में बात की गई है, ठीक है। ओके, सो ये थे आपकी सोर्सेज ऑफ लॉ एंड स्कूल्स ऑफ लॉ. आई होप यू गाइज आर क्लियर. कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी, ठीक है. या आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी गाइज ज्वाइन कर सकते हो. इधर बता देती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल निधि ध्रुव क्लैट एडुकेटर. इस पर भी मेरे को आप डाउट पूछ सकते हो. इसके रिलेटेड एक ग्रुप है. ये एक चैनल पे ज्वाइन करने से आप उस ग्रुप में भी जा सकते हो और फिर आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी पूछना है तो, ठीक है. और आपको अपकमिंग जो भी पार्ट्स आएंगे फैमिली लॉ के उसके भी लिंक्स और शेड्यूल्स मिल जाएंगे इफ़ यू फॉलो दैट टेलीग्राम चैनल, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट मैरिज गाइज, योर फेवरेट थिंग, मतलब जो आपको आई एम श्योर नॉट फेवरेट बट आई एम श्योर आपको बड़ा इंटरेस्ट है जानने में. सो शादी जो है हिंदूज में इट्स कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड थिंग, पवित्र रिश्ता. ओके, पवित्र रिश्ता माना जाता है. सो इट्स अ होली यूनियन एंड सैक्रमेंटल मैरिज इज कंसिडर्ड होली यूनियन, पवित्र यूनियन एंड सैक्रमेंटल. सो हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है. ओके, इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज. इसमें कोई फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं बताया है. इट जस्ट प्रोवाइड्स के मैरिज शुड हैव बीन सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज. तो जो भी रीति रिवाज रस्म है वो फॉलो करनी है. हिंदू सेरेमनीज फॉलो करते हुए हिंदू की शादी हुई होनी चाहिए तो हिंदू लॉ के हिसाब से वो शादीशुदा माने जाएंगे, ठीक है. तो मेजर कौन सी चीज़ है, मतलब मुझे लगा बच्चे से बच्चा 2 साल का बच्चा भी जानता है कि हिंदूज में शादी कैसे होती है क्योंकि फैमिली में किसी ना किसी की शादी तो देखी होगी. तो दैट इज परफॉर्म्ड बाय सप्तपदी. सेक्रेड फायर के सामने 7 स्टेप्स लेना. ब्राइड एंड ग्रूम ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं सेक्रेड फायर के सामने. 7 स्टेप लेते हैं, 7 फेरे जो लेते हैं. आई नो कोई कोई बोलेंगे मैम हमारे में तो 4 ही फेरे होते हैं. आई नो हम लोग में भी 4 फेरे ही होते हैं. तो 4 फेरे भी होते हैं, 7 फेरे भी होते हैं, जो भी खुद के कस्टम्स हैं उस हिसाब से, बट 7 फेरे जनरली. तो जिसको भी याद नहीं आ रहा है मैं पिक्चर लेके आई हूँ तुम लोग के लिए. ये होता है सप्तपदी. और जनरली ड्रेस्ड भी लोग ऐसे ही होते हैं हिंदूज में शादी के टाइम, हैं. तो ऐसे करके 7 फेरे और पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं. ये तरीके का शादी हुआ होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन. अच्छा, अगर शादी को वैलिड मानना है तो सिर्फ सप्तपदी इज नॉट इनफ. उसके अलावा कुछ अभी लीगल सेंस में हम तो समझ रहे हैं ना हिंदूज का शादी कभी कंप्लीट होगा, वैलिड होगा, तो लीगल सेंस में ऑब्वियसली लीगल कंडीशंस भी फॉलो करनी है. कुछ कौन सी लीगल कंडीशन, आइए देखते हैं. सो गाइस, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. ओके, सो बोथ द पार्टीज पहले तो हिंदू होने चाहिए. तो गाइज हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ये नहीं बोला है कि कोई हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की या क्रिश्चियन लड़की या कोई भी और कम्युनिटी के लड़के लड़की के साथ शादी कर ले तो क्या. इनफैक्ट नॉट जस्ट हिंदू, किसी भी पर्सनल लॉज में ये तो बोला ही नहीं है. दैट इज़ वाई हमें सेक्युलर लॉ है हमारे पास, स्पेशल मैरिज एक्ट. ओके, बट लेट्स नॉट गो देयर, वापस आ जाता है. तो इधर हिंदू लॉ तो यही बोलता है कि दोनों बंदे हिंदू होने चाहिए, लड़के लड़की ब्राइड ग्रूम दोनों हिंदूज होने चाहिए. ओके, इफ वन ऑफ देम इज हिंदू एंड अदर इज अ नॉन हिंदू और बोथ आर नॉन हिंदूज, द मैरिज विल नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट बट विल रिलेट टू सम अदर लॉ दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट. ये है हमारा सेक्युलर लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है. सो एक हिंदू और दूसरा नॉन हिंदू है पार्टनर, तो फिर इसके हिंदू लॉ के हिसाब से शादी वैलिड होगा ही. ओके, नाउ स्टार्ट्स द कंडीशन. ये आपका फर्स्ट कंडीशन, दैट इज हिंदू लॉ बाइगमी या पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करता है. मतलब अगर आप शादी कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी कोई दूसरा स्पाउस नहीं होना चाहिए. एक बंदे से ही जीवन भर शादी करके रखना है ना, जीवन भर. ऑब्वियसली डिवोर्स करते हो तो दूसरे से कर सकते हो शादी एज पर लीगल थिंग, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही शादी अलाउड है, नॉट मोर देन वन. बाइगमी पॉलीगैमी नॉट अलाउड. दोनों बीवी और पति दोनों नहीं कर सकते. ओके, दोनों के लिए एक एक शादी अलाउड है, एट अ टाइम एक शादी. ओके, सेकेंड कंसेंट, कंसेंट के बारे में है ये वाला पॉइंट गाइज. ओके, सो इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी शुड बी लाइक इन अ पोजिशन, एक भी पार्टी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनकेपेबल है टू गिव वैलिड कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. पागल हो गया, इंसेन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, अरे वाह ये तो खेल हो रहा है, ये वो और करके कर ले. ऐसा नहीं होता है. शादी इज़ अ बिग थिंग, लीगली भी इसका बड़ा वैल्यू होता है भाई, पूरी जायदाद आयदाद में भी हिस्सा हो जाता है, तो इट्स नॉट स्मॉल थिंग. तो कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए वजह से कंसेंट ना दे पाए तो फिर वो शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, ठीक है. देन कोई मेंटल डिसऑर्डर से ऐसे है सफ़र कर रहा है कि वो अनफिट है मैरिज करने के लिए या बच्चे पैदा नहीं कर सकते, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो भी फिर शादी वैलिड नहीं माना जाएगा. हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी, दैट इज भूल जाते हैं चीज़ या यू नो अचानक से कभी कभी पागल हो जाता है, तो ऐसा बंदा भी शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसको समझेगा ही नहीं वो क्या कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. ओके, सो इफ एनी पार्टी टू मैरिज इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिफेक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज बट फॉल्स इल मेंटली आफ्टर द मैरिज, देयर इज नो वायलेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड कंडीशंस. शादी करने के टाइम एकदम सही थे, प्रॉपर, स्वस्थ, सुंदर, सब कुछ सही, बट लेटर पागल हो गया इंसान, पति या बीवी, तो उसके बेस पे शादी वॉइड नहीं हो जाता, इनवैलिड नहीं हो जाता, शादी तो वैलिड ही रहेगा. हाँ, फिर चाहिए तो डिवोर्स दे सकते हैं ऐसे ग्राउंड पे, बट वो शादी इनवैलिड शादी नहीं बन जाता उसके वजह से, ठीक है. तो ये दो कंडीशंस हुई. तीसरी कंडीशन है एज वाइज. एज, लड़के का 21 एंड लड़की का 18 होना चाहिए कंप्लीट एटलीस्ट, तो ही शादी कर सकते हैं. तो सेम जो सेक्युलर लॉ में हमारे नॉर्मल इंडिया में सभी के लिए जो एप्लीकेबल एज है वही हिंदूज में भी है, हिंदूज के पर्सनल लॉ में भी, ठीक है. एंड ये वाला भी थोड़ा ट्रिकी है, ये अच्छे से समझना ज़रूरी है. ओके, आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू, अच्छे से मैं समझा रही हूँ डिटेल में, ये ज़रा समझ लो बराबर से. तो कोई पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. सो दो टाइप के रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताए गए हैं शादी करने के लिए. मतलब अगर आपका वैसे टाइप का रिलेशन है पार्टनर के साथ तो आप उससे शादी नहीं कर सकते हो एज पर हिंदू लॉ, ठीक है. और उसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है, अनलेस द कस्टम और यूजेज अलाउज इट. अगर आपका पहले से सालों से ऐसा कस्टम है या ऐसी रीति रिवाज चले आए तो शायद हो भी सकता है, एक्सेप्शन भी दिया है. सो अगर दो बंदे, दो लोग, लड़का लड़की इस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ तो फिर वो लोग शादी नहीं कर सकते. तो दो चीज़ होती है, कॉन्जैग्युनिटी और अफिनिटी. ये दोनों से नहीं होना चाहिए. कॉन्जैग्युनिटी का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड, खून का रिश्ता है उसके साथ तो नहीं करने का. ये रिलेटेड बाय मैरिज, शादी से जो रिश्ते बने हैं नहीं वैसा टाइप का रिलेशन है तो उससे भी शादी नहीं कर सकते. आई विल गिव यू एग्जांपल, वेट, दोनों का मैं एग्जांपल देती हूँ, दोनों के बारे में डिटेल्स में इधर डिटेल्स है, डोंट वरी, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ. पहले ये टर्म्स आपको जानने ज़रूरी है. कॉन्जैग्युनिटी या अफिनिटी वाले रिलेशनशिप्स आर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. ओके, तो पहले तो कॉन्जैग्युनिटी रिलेटेड बाय ब्लड, तो बाय लीनियल एसेंट, एग्जाम्पल फादर एंड डॉटर, फादर एंड ग्रैंड डॉटर नहीं शादी कर सकते हैं, ठीक है, खून के रिश्ते. अफिनिटी से, ये वाला अफिनिटी रिलेटेड बाय मैरिज, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ शादी नहीं कर सकते हैं. स्टेप मदर एंड स्टेप सन भी शादी नहीं कर सकते हैं. समझ में आ रहा है, ये अलाउड नहीं है हिंदू लॉ में, इसको तौबा तौबा ऐसा माना जाता है हिंदू लॉ में. ओके, देन वाइफ ऑफ ब्रदर्स और फादर्स ब्रदर और मदर्स ब्रदर और फादर्स फादर्स ब्रदर और मदर्स फादर्स ब्रदर एक्सेट्रा. बाप रे, ये तो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया, थोड़ा आपको हिंदी में समझा दी ये चीज़. पहले तो भाई की बीवी से भी शादी नहीं करना है, मतलब दो भाई है तो बड़ा भाई छोटे भाई की बीवी से शादी करना चाहता है, बड़े भाई की बीवी मर गई या भाग गई तो अभी बड़ा भाई छोटे भाई की बीवी से शादी करना चाहता है, नहीं करना कर सकता है, और मतलब ऑब्वियसली छोटे भाई के साथ उसका डिवोर्स करवा के करना चाहता है, नहीं कर सकता है। ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, फादर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, ओके, तो चाची फादर्स ब्रदर की वाइफ, मतलब चाची से शादी नहीं कर सकते हो आप, ओके, आपकी आंटी जो होती है आपके अंकल की वाइफ से शादी नहीं कर सकते हो, या मदर्स ब्रदर की वाइफ मतलब मामी से शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फादर्स ब्रदर मतलब दादाजी के भाई की बीवी से भी शादी नहीं कर सकते हो, ओके, मतलब चाची दादी होती है वो। या मदर्स फादर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ मदर्स फादर्स ब्रदर, तो मम्मी के पापा के मतलब नाना जी के भाई की बीवी के साथ, जो भी एक तरीके से नानी चाची ही होती है, उससे भी शादी नहीं कर सकते। ये क्लियरली बताया है, ठीक है। तो ऐसा है ये, ओके। सर्टेन क्लोज रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर, नीज एंड अंकल, नेव्यू एंड आंट, कजिन्स, ये लोग भी शादी नहीं कर सकते, ओके। बट इधर बताया है गाइज अनलेस कस्टमर यूजेज, मतलब साउथ में मैंने सुना है कि ऐसे होता है कि भाई बहन शादी करते हैं तो उनकी ऐसा रीति रिवाज उनकी फैमिली में या कस्टम्स में चलता ही आया है तो कर भी सकते हैं। तो हिंदू लॉ बोलता है कस्टम में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रूव करना होगा कि अरे हमारा ऐसा कस्टम है, ठीक है। देन ये वर्ड भी ध्यान रखो, ये जरा स्पेलिंग गलत है इधर, सपींडास गाइस, सो पार्टीज शुड नॉट बी सपींडास ऑफ ईच अदर, मतलब 7 जनरेशन से कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। सपींडा का मतलब ऊपर एंसेस्टर्स में 7 जनरेशन्स में एक दूसरे से शादी नहीं करना है। इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया, अनलेस कस्टमर यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स, ठीक है। तो सपींडाज में भी मैं बोल रही हूँ ना, कस्टम यूजेज कजिन्स लोग शादी करते हैं, साउथ में अलाउड होता है, काफ़ी फैमिलीज में ऐसा अलाउड होता है, तो फिर अगर कस्टम चलाता है तो ठीक है करो, हिंदू लॉ बोलता है हमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? इट एक्सटेंड्स एज फार एज द 3rd जनरेशन, इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर, एंड द 5th जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर, ओके। तो एसेंट में मतलब ऊपर से देखना है आपको, ठीक है, नहीं सॉरी ऐसे नीचे में, तो मदर की साइड में, मदर साइड के रिलेशन में 5 जनरेशन तक, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते, मदर की साइड के कजिन्स वजिन्स के साथ 3 जनरेशन तक जो जुड़े हुए उनसे शादी नहीं कर सकते, और फादर की साइड में 5 जनरेशन तक जिससे जुड़े हुए उससे शादी नहीं हो सकता है। एंड हाँ, लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, अच्छा नीचे नहीं ऊपर से, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, और उससे भी ऊपर 5 स्टेप तक जो भी रिलेटेड कजिन्स होते हैं उनसे शादी नहीं करना है। और मदर में 3, मदर, मदर्स फादर, लाइक मदर के जो भी भाई बहन है उससे नहीं, मदर्स फादर और मदर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, उतने जनरेशन्स में मतलब रिलेशन है तो नहीं करना है, ठीक है। फुल ब्लड का मीनिंग होता है सेम फादर एंड मदर होना, एकदम सगे भाई बहन। हाफ ब्लड मतलब सेम फादर बट डिफरेंट मदर्स, एक बाप के 2 अलग अलग बीवी से बच्चे। वैसे यूट्राइन ब्लड बोलते हैं व्हेन 2 पर्सन्स हैव सेम मदर बट डिफरेंट फादर्स, तो मदर सेम है बट फादर्स अलग है। इललिटरेट में चिल्ड्रन मतलब जो वैलिड मैरिज के बिना जन्मे है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे आप लोग को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। अंडर हिंदू लॉ चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज, आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कैन यू हियर व्हाट आई एम सेइंग? ओ माय गॉड, ये कैसे मुमकिन है? यस, अंडर हिंदू लॉ चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 declares the marriage, whether solemnized before or after commencement of the act, between a male less than 21 years, female less than 18 years as voidable. ये voidable marriage है, but void marriage नहीं होगा. So valid होगा जब तक कोई decision ना ले ले cancel करने का. I'll explain you that. ठीक है. At the option of the party to the marriage who was a child at the time of marriage. तो guys ये देखिए void and voidable marriage मैं कराने वाली हूँ. तो ये जो कम एज में शादी हुआ ना वो void नहीं हो जाता है. void मतलब invalid. वो हो जाता है voidable. voidable क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. पहले हम void marriage पढ़ लेते हैं, फिर voidable समझा रही हूँ, आपको आसानी से समझ जाएगा वो टॉपिक. डोंट वरी. ठीक है. तो void marriage guys, void marriage is basically void ab initio from beginning. उसका कोई वैलिडिटी ही नहीं है. फ्रॉम ab initio इनिशियल स्टेज से नो वैलिडिटी. कैसे टाइम पे ये होता है? तो जब भी बाइगमी कमिट हुआ है तो मैरिज वॉइड हो जाएगा, पहला चीज़. सेकंड चीज़, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में है, कॉन्जैजिनिटी या अफिनिटी से रिलेटेड है. अभी अभी पढ़ा ना सपिंडास वगैरह, वो या सपिंडास से है. तो ऐसे केस में वॉइड मैरिज है. वॉइड सिंस इंसेप्शन फ्रॉम बिगनिंग, वो वॉइड माना जाएगा. ठीक है. एंड आज के ये सेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा गाइज. वॉइडेबल मैरिज गाइज, अभी अभी मैंने बताया, अगर वो लड़का 21 से कम का, लड़की 18 से कम की है तो भी शादी वॉइडेबल बनेगी, वॉइड नहीं बनेगी ना. वॉइडेबल का मीनिंग पहले मैं आपको समझाती हूँ. सो वॉइडेबल वो होता है कि जिसका भी शादी हुआ है और जिसका मे बी मतलब जो कंप्लेनिंग पार्टी है, जिसके मर्जी के बिना शादी या उसकी कम एज में शादी हुई है, तो बेसिकली द अग्रीव्ड पार्टी, द विक्टिम पार्टी, उसके पास ऑप्शन होता है. इफ़ ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू विद द मैरिज कैन कंटिन्यू, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं. तो उसको दोनों में से एक भी डिसीजन लेना है, या तो उसको कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है. जब तक उसने डिसीजन नहीं लिया तब तक वो वैलिड मैरिज माना जाता है. इसीलिए यहाँ ऐसा लिखा था कि हिंदू लॉ में चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज. दिस इज द ओनली रीज़न ये लिखा है. तो जब तक डिसीजन नहीं लिया वो वैलिड माना जाएगा. अगर फिर कैंसिल कर दिया गया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा मैरिज, वरना वो वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसे येस एक्सेप्ट कर लिया तो. ठीक है ना. कौन से सिचुएशन में मैरिज बनता है वॉइडेबल? ओके. सो मैरिज विच कैन बी अनल्ड, अनल्ड मतलब कैंसल्ड, और अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ वन और बोथ पार्टीज. एक या दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन है उसको कैंसिल करने का या कंटिन्यू करने का. तो वो होता है वॉइडेबल मैरिज. ये वॉइडेबल होता है ये फॉलोइंग ग्राउंड्स में. मैरिज विल बिकम वॉइडेबल ये सिचुएशंस में ही. फर्स्ट इज मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर पार्टी. कंज्यूमेटेड मतलब सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं हुए हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में. ड्यू टू इम्पोर्टेंसी मतलब फिजिकल या मेंटली इम्पोर्टेंट है, मतलब सेक्शुअली इंटरेस्टेड नहीं है या सेक्शुअली परफॉर्म नहीं कर सकते वो चीज़. सेकंड, मैरिज ऐसे लोगों के बीच में हुआ है जो वैलिड कंसेंट नहीं दे पाते हैं. हमने कंडीशंस में पढ़ा था आगे कि वैलिड कंसेंट मेंटली समझ के जो नहीं दे पाते हैं तो फिर उनका शादी नहीं कंसिडर होगा वैलिड. तो वो चीज़ है. अगर किसकी कोई पागल का शादी करा दिया तो उसके लिए वो शादी वॉइडेबल हो जाएगा. या हस्बैंड पागल है और वाइफ को पता ही नहीं था वो पागल है और शादी हो गया, तो दोनों के पास ऑप्शन है आइदर टू कंटिन्यू विद द मैरिज और कैंसिल द मैरिज. दोनों में से कोई भी इसको छोड़ सकता है. ठीक है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये सुनिएगा गाइज. If wife was pregnant at the time of marriage by some other person than her lawfully married husband, तो शादी के बाद पता चला कि बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये पता चलने के बाद, और वो शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी और उससे वो छुपाया गया था. हस्बैंड को ये जब भी पता चलता है तो at that time husband उस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकता है, कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल कर सकता है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड मैरिज ऑन दिस ग्राउंड हस्बैंड नीड्स टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स. अगर इस ग्राउंड पे उसको मैरिज को कैंसिल करना है तो उसको प्रूव ये चीज़ करना पड़ेगा कि शादी के टाइम उसको पता नहीं था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वन थिंग। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ कंसेंशुअल मैरिटल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विथ हिज वाइफ सिंस सच डिस्कवरी। तो ये पता चला कि किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके बाद उसने हस्बैंड ने कोई भी टाइप के सेक्सुअल रिलेशन अपनी वाइफ के साथ नहीं किए हुए होने चाहिए। ओके, एंड द थर्ड वन इज हस्बैंड हैज स्टार्टेड द प्रोसीडिंग टू अवॉइड मैरिज विद इन 1 year ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो यू नो, शादी के 1 साल के अंदर अंदर जब भी उसको पता चला अबाउट द वाइफ्स प्रेगनेंसी विद अदर मैन्स चाइल्ड, उसने 1 साल के अंदर अंदर ये डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स, मैरिज कैंसिल करने की प्रोसीडिंग्स चालू कर दी होनी चाहिए। तो ये था गाइज हमारा यू नो मैरिज का टॉपिक, ठीक है। द हिंदू लॉ मैंने यहाँ कंप्लीट किया आपके लिए। आई रियली होप दिस एंटायर सेशन ऑफ हिंदू लॉ वाज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, मैंने बता दिया है, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।